हेलो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मेथी को अभी दो पत्ते आ रहे हैं। बस ये 15 दिन का ही है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं मेथी को, और बहुत अच्छे से मेथी निकली है। कुछ मेथी मैंने इधर भी डाली है और ये थोड़ी लेट डाली है तो लेट निकल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। होम टेरेस गार्डनिंग में आपका स्वागत है। अभी विंटर का मौसम शुरू हो रहा है और सब्जियाँ गार्डन में बहुत अच्छे से अभी आना भी शुरू हो रहे हैं। फूल तो आ ही रहे हैं, मैरीगोल्ड के फ्लावर्स आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आए हैं। बस हमें अब तो अभी सब्जियों का मौसम है, विंटर ऐसा सीज़न रहता है, आप सब्जियां कैसे भी लगा लो तो बहुत बढ़िया निकल जाता है, बहुत ही अच्छा मौसम रहता है। और आप देख सकते हैं मेरे मूली भी बहुत बढ़िया हो रही हैं, ये देख सकते हैं कितनी बढ़िया और रेत में लगाई हैं। कुछ मूली की मैंने हार्वेस्टिंग की है, कुछ मूलियाँ भी नए आना शुरू हो रही है, और पालक भी बहुत बढ़िया हो रही है, 8-10 दिन का रिजल्ट है। तो ऐसे ही हमें साग सब्जी अपने गार्डन में लगाना चाहिए। और एक यहाँ पे भी सब्जी लगी है। बस अभी हमें मेथी बहुत अच्छी लगती है विंटर में, बाकी सीज़न में तो हम इतना मेथी नहीं लगाते हैं, लेकिन आजकल मार्केट में 12 ही महीने मिल जाती है मेथी। तो चलिए आज मेथी कैसे उगाते हैं, और अपने घर की मेथी बहुत अच्छी रहती है, ऑर्गेनिक मेथी का स्वाद भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये मैंने पहले से एक बास्केट बना के रखा है, इसमें नीचे मैंने कचरा, जो गार्डन का मैंने कचरा निकाला था, वो सब मैंने इसमें नीचे डाला है। मिट्टी बहुत अच्छे से पोरस हो गई, आप देख सकते हैं। इसमें सभी टाइप्स के मैंने कंपोस्ट सब कुछ एक वेल्डन मिट्टी भरा दी है। हमारे मसालों में घर में ऐसे ही कुछ मेथी दाना रहता है, बस मैं वही मेथी दाना लिया है और ऐसे पानी में मैंने भिगो के रखा है। बस 2 घंटा हुआ है, पहले से जब आप रखते हैं तो बहुत जल्दी मेथी निकल जाती है, लेकिन मुझे टाइम पे लगा कि आज मेथी लगाने का अच्छा समय है, टाइम भी था थोड़ा मॉर्निंग में, तो ये मैंने मेथी 2 घंटे पहले भिगो के रख दी है। वेल्डन मिट्टी बनाई है और यही मेथी मैं अपने इसमें ग्रो बैग में डालूँगी। थोड़ी सी डाली थी, लेकिन आप देख सकते कप में कितनी फूल गई है, बहुत जल्दी मेथी ना फूल जाती है। तो क्या आप देख सकते हैं, आप अंकुरित भी कर सकते हैं, हमें बस थोड़ी सी मेथी, ये मेथी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इतने सारे मेथी अकेले ग्रो बैग में नहीं डालेंगे, कुछ और डालूंगे। बस हमें बस ऐसे स्प्रिंकल कर देना है और मेथी की सब्ज़ी बहुत जल्दी निकल जाती है। बस इसके ऊपर मेथी के ऊपर मिट्टी को थोड़ा स्प्रेड अच्छे से कर देना है, कवर कर देना है, और थोड़ा सा शेड एरिया में कवर करके रख दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट धूप में वो अंकुर थोड़े से ये हो जाती, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, तो मैं इसको थोड़ा सा शेड में रखूँगी, क्योंकि वहाँ पे भी धूप आती है। अच्छे से मिट्टी को कवर कर देना है, मैं थोड़ा और मिट्टी लेके आते हैं। बस अभी थोड़ा हल्का हल्का पानी स्प्रे कर दीजिए, हाई स्पीड में मत डालिए। बस आने वाले समय में इसका रिजल्ट मैं ज़रूर दूंगी, 4-5 दिन के बाद मेथी बहुत अच्छे से निकल जाती है। और आप देख सकते हैं पालक बहुत बढ़िया निकल गई है। हेलो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं 3-4 दिन का ये रिजल्ट है, मेथी अंकुरित होके थोड़े से एक ऊपर आ गई है, बहुत जल्दी मेथी निकल गई है। अच्छा क्वालिटी के होने से मेथी बहुत जल्दी निकल जाती है, ये देख सकते हैं डेली थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है और बहुत बढ़िया ये मेथी बन रही है। हेलो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मेथी को अभी 2 पत्ते आ रहे हैं, बस ये 15 दिन का ही है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं मेथी को, और बहुत अच्छे से मेथी निकली है। कुछ मेथी मैंने इधर भी डाली है और ये थोड़ी लेट डाली है तो लेट निकल रहा है।